दोस्तों अपडेट के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि गेम के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर यूजर जो वाईफाई यूज करते हैं या फिर आप अपने सिम से अपने वाईफाई को या फिर अपने सिम से ही आप अपने गेम को चला रहे हो तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। आप ग्लू वॉल लगाते कभी और हो, लगता कभी और हो, और आप मारते कभी और हो और सामने वाला मरता कभी और है, और घर में आप लोग घुसे पड़े होते हो और सामने वाला बंदा अगर मार देता है तो आप घर से बाहर निकल जाते हो। ये प्रॉब्लम गाइज मतलब यार 50% लोगों के साथ हो रहा है। जहां पर हो क्या रहा है वो चीज मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आप किसी घर वगैरह में घुस रहे हो, घुस गए अंदर और आपको एनिमी जैसे ही मारता है आप घर के बाहर नजर आते हो। ये चीज किस किस के साथ होता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो प्रॉब्लम है गाइस आपका पिंग तो नॉर्मल होता है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख लो मेरा पिंग नॉर्मल है 70 के आसपास चल रहा है, फिर भी मेरा गेम जो है सही तरीके से नहीं चल पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और आखिर कैसे क्या करना है वो सब तरीका बताऊंगा। और मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं इससे 101% सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है गाइस। जी हां, तो यार वीडियो को अभी स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त जिसने नहीं किया होगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं गेम के अंदर आ चुका हूं और यहां पर आने के बाद मैं इनवाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो देखो गाइस मैं तो ऑनलाइन हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं गेम के अंदर हूं, बट फिर यहां पर जो है फ्रेंड वाला जो ऑप्शन है सब ऑफलाइन दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? मतलब ज्यादातर लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, चाहे तो आपके गेम के अंदर प्रॉब्लम्स हो या फिर आपका गेम के बाहर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो यार मैं गेम के अंदर ऑनलाइन हूँ और मेरा नेटवर्क कनेक्शन इनर वाला वगैरह वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, और दूसरों का जो आईडी है मैं इंस्पेक्ट वगैरह कर पा रहा हूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ पर है वो चीज़ चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। जो मैं आपको स्टेप्स बताऊँगा बस उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आपका प्रॉब्लम 99% सभी का सॉल्व होने वाला है। तो कुछ नहीं करना गाइस, आपको ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है तो सेटिंग वाले पे क्लिक करनी है। सेटिंग वाले पे क्लिक करने के बाद एक बार आपको क्लियर कैच कर देना है और यहाँ पर एक बार सेंड रिपोर्ट कर देना दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वाला चीज़ यूज करके देखना, आपका प्रॉब्लम इतना में सॉल्व नहीं होगा। आपको नेक्स्ट जो तरीका बता रहा हूँ तो आपको क्या करना, आप फ्री फायर में खेलो या फिर नॉर्मल फ्री फायर में खेल रहे हो या फिर मैक्स में खेल रहे हो, आप जिसमें भी खेल रहे हो उस पर क्लिक करके रखे रहना, ऐप इन्फो में चले जाना और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन देखने को और क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक कर देना। क्लियर डाटा मत करना, गलती से आप लोगों को क्लियर डाटा नहीं करना है दोस्त। आपको मैंने दूसरा तरीका बता दिया, तीसरा तरीका है आपको अपने सेटिंग के अंदर चले जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप एक बार यहाँ पर चेक कर लेना, अगर आप मोबाइल के इंटरनेट से, फिलहाल मैं देख सकते हो वाईफाई के इंटरनेट से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अगर वाईफाई के इंटरनेट से अगर आप लोग खेल रहे हो तो यहाँ पर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पहले से सब कुछ सेलेक्ट होता है जिस भी आप वाईफाई से खेल रहे हो। अगर वाईफाई आपका सही तरीके से नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नेटवर्क से खेलना है दोस्तों। जी हाँ, आपके मोबाइल के डाटा से आपको क्या करना है, आपको गेम प्ले करना है, जिससे कि आपका अगर वाईफाई का अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, अगर वाईफाई का स्पीड सही नहीं चल रहा होगा, तब जाकर आपको उस तरह का प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। फिलहाल मैं गेम के अंदर आ जाता हूं, गेम के अंदर जैसे ही आऊंगा मैं वापस से रिफ्रेश मारता हूं दोस्तों। ओके, तो यहां पर जैसे ही मैं रिफ्रेश मार रहा हूं तो यहां पर देख सकते हो अभी तक वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ है, जहां तक हमें लग रहा है गाइस। देख लो अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और आपका गेम के अंदर से भी आपका लैग वाला प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, तो आगे क्या करना है वो चीज मैं आपको यहां पर तरीका बताता हूं। नेटवर्क वाले ऑप्शन में ही चले जाना है और अगर आपका 5G सिम है तो आप लोग यहां पर स्मार्ट 5G को ऑन कर लेना दोस्तों। ओके, यहां पर स्मार्ट 5G को यूज कर लेना क्योंकि अगर आपके पास 5G नहीं होगा तो 4G में कनेक्ट हो जाएगा और 4G नहीं होगा तो 5G में कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक से, वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। और वहीं पर आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर सिम के अंदर चले जाना है और यहां पर आने के बाद आपको एक काम करना है दोस्त, प्रीफेयर्ड नेटवर्क टाइप है तो आप लोग यहां पर पहले नंबर पर सेलेक्ट कर लेना, 4G पहले नंबर पर आ रहा है तो 4G करना, 5G आ रहा है तो आप लोग 5G कर सकते हो। उसके बाद यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहां पर आप जो भी सिम यूज कर रहे हो, जियो का यूज कर रहे हो, BSNL का यूज कर रहे हो, एयरटेल का यूज कर रहे हो, VI का यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपका यहां पर नाम देखने को मिलेगा। अगर BSNL वगैरह का यूज कर रहे हो तो BSNL वगैरह, मैं तो यहां पर जियो का यूज कर रहा हूं, तो इस पर आप लोगों को आई पर क्लिक करना है। ओके, आई पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नीचे चले आना है और ये वाला जो आपको बैरियर वाला ऑप्शन है ना, इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को ऑन कर देना दोस्तों। एक बार ध्यान से देखना है आपको क्या करना है ना, आपको मैं वापस से बताता हूं, यहां पर वापस से सेटिंग के अंदर चले जाना है दोस्तों। ओके, मोबाइल नेटवर्क के अंदर चले जाना है और जो भी सिम यूज कर रहे हो, SIM 1 या SIM 2, आप उसके अंदर चले जाना और यहां पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम देखने को मिलेगा, इसके अंदर चले जाना
है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आई का ऑप्शन, तो आई वाले पे क्लिक करना है और आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आप लोग देख लेना दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह तो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर सब कुछ मैच कर लेना, अगर ये है आपका जियो का सिम है तो अच्छी बात है। और यहाँ पर बैरियर वाले को क्या करना है, सबको सेलेक्ट करके पहला नंबर को अनसेलेक्ट करके आपको इसको सेव कर देना है। बस इतना काम कर दोगे आपका 90% काम हो चुका है, आपका जो पिंग वाला प्रॉब्लम था वो 90% सॉल्व हो चुका होगा। अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ दोस्त कैसे सही कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, गूगल में चले जाना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। गूगल में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, गेम स्किल से सीधा सा सर्च कर लेना दोस्तों, ओके। गूगल में आने के बाद गेम स्किल सर्च कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सीधा सा नीचे चले आना, ओके ना। तो चलिए मैं नीचे चलता हूँ, और भी नीचे आऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हो सर्च का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर ट्राई करना दोस्त, यहाँ पर आप DNS लिखना, ओके। यहाँ पर आप लोग DNS निकला, उसके बाद आप लोगों को सर्च करना है, उसके बाद इस वाले फोटो पर आप लोगों को क्लिक करना है और आपको नीचे चले आना है दोस्तों, ओके। इस वाले फोटो पर क्लिक करके आपको नीचे चले आना, ओके ना। नीचे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह का आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड फाइल पर क्लिक करना है, तो डायरेक्ट आप लोग यहां पे चले आओगे। यहां पर आने के बाद क्या करना है, आप लोग सीधा सा नीचे चले आना, और भी नीचे चले आना है, ओके ना। नीचे आने के बाद आपको इस तरह का फोटो देखने को मिलेगा, उसके बाद नीचे क्लिक हेयर पर आप लोगों को क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो आपको टाइमिंग चलता हुआ नजर आएगा और यहां पर आपको क्या करना है वो चीज बताता हूं, उसके बाद आप लोगों को ये चीज ट्राई करके देख लेना है दोस्तों। अगर ये सारे ट्रिक्स अगर नहीं काम करता है तो एक फाइनल स्टेप है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। हमारा टाइमिंग खत्म हो रहा है और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा कर दीजिएगा सब्सक्राइब, यार पैसा नहीं लगता दोस्त। तो हमारा फाइनली टाइमिंग खत्म होने वाला है और बाकी आप लोग बताना आप लोगों को यह प्रॉब्लम कब से देखने को मिल रही है। जैसे ही टाइमिंग खत्म होगा तो डाउनलोड फाइल पर ऑप्शन आएगा, तो डाउनलोड फाइल पर क्लिक करना है और आपको DNS कोड दे रहा हूं, तो आप लोग DNS कोड को एक एक करके आपको यूज करके देख लेना है। अगर आपका गेम सही चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर DNS कोड भी आपका फोन में काम नहीं करता है तो आप लोग VPN तो मत ही लगाना, क्योंकि VPN से बस गेम ओपन करोगे। अगर VPN से अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो आपका पिंग और हाई जाने वाला है, तो आप लोगों को VPN नहीं लगाना है दोस्तों, वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर इन सभी के कारण से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो एक लास्ट और फाइनल ऑप्शन है गाइस, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको अपना प्रोवाइडर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप जियो यूज कर रहे हो तो एयरटेल में जाओ, एयरटेल यूज कर रहे हो तो जियो में चला कर देखो, आपका प्रॉब्लम 99% लोगों का सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादातर जो है इंटरनेट स्पीड के कारण ही देखने को मिलता है। आपका मोबाइल का तो इंटरनेट सही होता है, आपका यूट्यूब वगैरह सब कुछ सही चलता है, बाकी आपका गेम सही नहीं चलता, ये कारण यही होता है दोस्तों। अपने मोबाइल का क्या करना है, नेटवर्क चेंज करके देखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आप चेक कर लेना कि आपका सिस्टम अपडेट तो नहीं आया हुआ है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग देख लेना अप टू डेट आपका दिखा रहा है, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम अपडेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अपडेट नहीं करने का ऑप्शन है, सो मेरा गेम वगैरह सब सही चल रहा है फिलहाल, ओके। तो आप लोग सिस्टम अपडेट वगैरह करके देख लेना, अगर आपका सिस्टम अपडेट वगैरह का ऑप्शन आ रहा है तो सिस्टम अपडेट कर लेना दोस्तों। सिस्टम अपडेट कर लोगे तो 99% लोगों का काम कर जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जो आपका लेट रिस्पांस मिलता है, आपका गेम सही से नहीं चलता, वो सारा कुछ सही चलने लग जाएगा, ओके। तो फिलहाल अभी की वीडियो में बस इतना ही था और बाकी चैनल पर नए होंगे तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, थैंक यू, लव यू गाइस, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज।